इनके लब रंगी मिठावर के जिसने। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इरशाद हैं, मालूम ये करना चाहते हैं कि जहां जॉब करते हैं वहां अगर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त ना हो तो ऐसी सूरत में ढक छुप कर नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं। दूसरा ये कि कभी ऐसा होता है कि चुपचाप चोरी छुपे नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो जो बॉस या सर जो भी हैं वो आ जाते हैं, तो ऐसी सूरत में इनको नमाज़ तोड़ना पड़ती है, तो क्या इस तरह कर सकते हैं या नहीं। यानी पहली सूरत तो ये कि ढक छुप के नमाज़ पढ़ते हैं कहीं दूसरी जगह पे, किसी कॉर्नर या दूसरे रूम में, और कंपनी का मालिक ये जहाँ इजाज़त नहीं दी उन्होंने नमाज़ की, अगर वो आते हैं तो ज़ाहिर है कोई निगरान वगैरह बिठाते होंगे पहले गेट पर कि अगर सर आए तो हमें कोई बता दे, तो ऐसी सूरत में नमाज़ तोड़ के अपने कामों में लग जाते हैं, तो ऐसा करना ठीक है या नहीं ठीक है। अव्वल तो इसके अंदर दो किस्म के गुनाह हैं। पहला ये कि ऐसी जगह पर काम करना या ऐसा काम करना या ऐसी नौकरी करना कि जिसमें नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, तो ऐसा काम या ऐसी जगह पर नौकरी करना ये जायज़ नहीं है बल्कि हराम है कि जिसमें नमाज़ क़ज़ा हो जाए। और यकीनन क़ज़ा हो जाए कि नमाज का वक्त अगर यहाँ काम करेंगे तो चला जाएगा और यहाँ इजाज़त नहीं है, तो ऐसा काम जायज़ नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि नमाज को बेज़रूरत तोड़ देना, ये भी नाजायज़ और गुनाह है, उलमा ने इसको भी हराम लिखा है। लिहाजा बे उजरे शराई नमाज को तोड़ देना ये भी शदीद और सख्त गुनाह है। तो पहली सूरत तो ये कि ऐसी जगह जहां नमाज की परमिशन नहीं है और नमाज बंदा वहां नौकरी करता है तो वो नौकरी करना ही उसके लिए जायज़ नहीं है। हाँ, जो नमाजें उसने इस तरह ढक छुप के पढ़ ली और वो सही अदा हो गई तो वो नमाज ज़रूर हो जाएगी, लेकिन ऐसा हर नमाज में मुमकिन नहीं है। मसलन ये कि लंच में जोहर में किसी तरह एडजस्ट करके नमाज़ पढ़ ली तो असर का मसला हो सकता है, असर में पढ़ ली तो जोहर कज़ा हो सकती है, मगरिब भी सर्दियों में क्योंकि जल्दी आती है, अगर ड्यूटी दिन की है तो मगरिब की नमाज़ भी ऑफिस में ही अक्सर वक्त लग जाता है और इशा तक जल्दी वक्त ख़त्म होता है तो बंदा घर नहीं पहुंच पाता। जो उमूमन उर्फ में हमारी टाइमिंग है ऑफिस की 10 से 6 भी अगर आप लेंगे तो भी बंदे को घर पहुंचने में 1 घंटे का टाइम चाहिए, ऐसे में इशा का वक्त लग जाता है, तो सर्दियों में क्योंकि मगरिब का मसला होता है। तो ऐसी जगह पर काम करना कि जहाँ पर नमाज की इजाज़त नहीं दी जाए तो सारी नमाजें ज़ाहिर वहाँ नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो कि जो नमाजें आपने उस वजह से कज़ा की होंगी, यानी जो मालिका जो कंपनी का मालिक है उनके खौफ से या उनकी मनाही की वजह से जो कज़ा की होंगी, जाहिर है कि उनकी भी तौबा करना फ़र्ज़ है। और जो नमाजें आपने शुरू करके तोड़ दी बेउज्र शरई, क्योंकि ये कोई उज्र नहीं है कि किसी के आने के डर से नमाज़ तोड़ दी जाए, ये कोई उज्र बहाना नहीं है। उज्र वो होता है कि अपनी या किसी पराई जान का ख़तरा हो, माल चोरी होने का ख़तरा हो, नमाज़ तोड़ दी जाए तो हर्ज नहीं है, लेकिन इस तरह से नमाज तोड़ना कि किसी के आने से नमाज़ तोड़ दी जाए ये जायज़ नहीं। तो क्योंकि ये भी एक गुनाह हुआ, तो इससे भी कि जितनी मरतबा इस तरह की नमाज़ें ये तोड़ी गई होंगी पढ़ के, इससे भी तौबा करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल भी ये सूरत नहीं हो सकती कि कोई आए तो नमाज़ तोड़ दो फिर दोबारा पढ़ लो। अगर आप समझते हो इसमें कोई हर्ज नहीं है तो फिर ये ज़ाहिर है कि इल्मे दीन की कमी है, नमाज़ को तोड़ना भी हराम होता है, नमाज़ को तोड़ा नहीं जाएगा। अगर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी तो पढ़ा ही जाएगा, अब चाहे वो मालिक आए या कोई आए, अगर नमाज़ आप तोड़ेंगे मालिक की इजाज़त नहीं है तो फिर मुसलमान को हलाल कमाने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, किसी एक ही कंपनी में कमाने का हुक्म नहीं दिया, दूसरे ज़रिए मुआश ढूंढिए, दूसरी कोई आमदनी हलाल ज़रिए से करिए, कहीं और जगह मामला तय कीजिए। और इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि जहाँ भी आप कंपनी में नौकरी इंटरव्यू के लिए जाएँ वहाँ नमाज़ की बात पहले करनी चाहिए। मसलन ये कि कम से कम असर की तो करनी चाहिए, कि जोहर तो चलो लंच टाइम होता है तो वहाँ बंदे को इख्तियार होता है, और बाज़ मरतबा वहाँ भी इख्तियार नहीं होता। तो अगर जोहर में इख्तियार है कि भाई आप लंच आधे घंटे के लंच में खाना और नमाज़ दोनों कर सकेंगे, और क्योंकि लंच में घूमने की उमूमन इजाज़त भी होती है बंदे पार्क वगैरह या जो गार्डन वगैरह होते हैं ऑफिसेज में,
बेसमेंट वगैरह में लोग टहल रहे होते हैं लंच के बाद, तो वहाँ पे जुहर अदा की जा सकती है। और अगर असर का मसला रहेगा तो उसके लिए इजाज़त ख़ास लेनी पड़ेगी। तो ये मामले पेश वहाँ आते हैं कि जहाँ बंदा पहले बात नहीं करता इंटरव्यू में, जॉब जो है अपनी दूसरी आसानियाँ दूसरी अपनी सहूलियतें देख कर ज्वाइन करता है, फिर बाद में जब जॉब नमाज का मसला आता है तो वहाँ पर ये पाबंदियों का उसे सामना करना पड़ता है। तो इंटरव्यू में पहले बात कर ली जाए कि जब सब चीज़ें तय हो जाएँ कि कब से ज्वाइनिंग है, तो आप पहले बता दें कि जी मेरे साथ नमाज का मसला है, मेरे को 10 मिनट चाहिए होंगे 4-5 बजे के बीच में, कभी भी काम में मेरा फ़र्क नहीं आएगा, मैं 5 या 10 मिनट भी चाहिए होंगे नमाज के लिए। तो इसमें क्या होगा, अगर मालिक एग्री करेगा तो फ्यूचर में आपको उस कंपनी में कोई नमाज़ पढ़ने से रोक नहीं सकता। यानी स्टार्टिंग में अगर कह दिया जाए तो आने वाले टाइम पे भी कोई आपको रुकावट नहीं होगी। लेकिन अगर पहले से आप पढ़ते ही नहीं थे फिर आप अचानक शुरू करेंगे तो ज़ाहिर है कि पहले मालिक को उस वक्त एतराज़ हो सकता है कि भाई अभी कल तक तो आप नहीं पढ़ रहे थे, उस वक्त ज़रूरी नहीं थी, अब अचानक ये ज़रूरी कैसे हो गए, तो वहाँ को ख़ुद आपको जवाब देने में दुश्वारी हो जाएगी। तो अक्सर नौजवान ये गलती खुद ब खुद करते हैं कि इनको खुद जवाब देने में दुश्वारी हो जाती है। तो माहौल भी आजकल लोगों ने सिर्फ जुमे का बना रखा है कि जो कुफार हैं वो भी ये समझते हैं कि गालिबन जुमा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो अक्सर ऑफिसेज़ में जुमे की परमिशन देते हैं। अब क्योंकि ज़ाहिर है कि असर भी तो जुमे के दिन की फ़र्ज़ ही है जिस तरह आम दिनों में फ़र्ज़ है, तो ये मामले इसलिए पेश आते हैं। लिहाजा आप इंटरव्यू में जाएँ तो पहले बात करें कि आपको नमाज़ पढ़नी, इजाज़त दें तो ठीक है, नहीं तो फिर आप मना कर देंगे, सिलेक्शन नहीं होगा, 5-10 मिनट की इजाज़त वहाँ दे देंगे। स्टार्टिंग में बात करने के बहुत फ़ायदे हैं, आगे फ्यूचर में भी आपको इस चीज़ की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर जब असर का टाइम हो तो आप पहले ही वॉशरूम वगैरह जाने से पहले ही वुज़ू करके रेडी रहें ताकि वुज़ू का टाइम आपका काउंट ना हो। तो आपके जो वॉशरूम जाने का टाइम है, टॉयलेट जाने का टाइम, उस टाइम में वुज़ू बना के रेडी रहें, जैसे ही असर का टाइम लगे तो आप फटाफट जाके असर की नमाज़ 4 फ़र्ज़ भले ही आप पढ़ लें, सुन्नतें छोड़ दें ऐसे मौके पे, फ़र्ज़ ही पढ़ लें 4, तो ठीक है। अगर 10 मिनट का टाइम दें तो 10 मिनट में तो मैं समझता हूँ सुन्नत और फ़र्ज़ दोनों भी पढ़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। और ज़ोहर क्योंकि लंच में अदा हो जाएगी तो मगरिब के लिए ज़्यादा मसला नहीं होगा। मगरिब के लिए ये करना पड़ेगा कि ऑफ़िस की छुट्टी होते ही घर ना जाएँ, बल्कि पहले कहीं आसपास मगरिब की नमाज का बंदोबस्त देखें, उसके बाद घर निकलें। इससे थोड़ा लेट हो जाओगे सर्दी के मौसम में, लेकिन ये कि टाइम ख़त्म होने के बाद तो फिर आप अपने टाइम के लिए आज़ाद हो। तो मगरिब इस तरह पढ़ने के बाद घर जाएं, या रास्ते में कहीं मस्जिद पढ़े, अपना वाईसी कर ले, अपनी गाड़ी है तो फिर उसे रोक के मगरिब पढ़े रास्ते में और फिर आगे जाएं अगर कज़ा होने का ख़तरा हो। और ईशा में तो पहुँच ही जाएंगे और गर्मी में भी ज़्यादा दुश्वारी नहीं होती, दुश्वारी होती है सर्दियों की मगरिब में। तो इस तरह से आप असर मगरिब और ईशा में जो है ना वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये सारी सूरत हाल जब ही होंगी जब आप अपने आप को खुद पहले कंपनी के सामने इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि आप इस चीज़ की पाबंद हैं और इस चीज़ को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि कल तक तो कंपनी की नज़र में आपकी वैल्यू कुछ और थी, अब अचानक से आपको नमाज़ें याद आई तो मालिक भी कहेगा कि सालों से तो आपने कभी पढ़ी नहीं, अब अचानक से आपको नमाज़ें कैसे याद आई, ज़रूरी थी तो पहले क्यों नहीं पढ़ी। तो ये मामले इसी सूरत में पेश आते हैं। लिहाजा हर किसी को चाहिए कहीं जॉब से पहले नमाज की बात पहले कर ली जाए तो उससे मामला क्लियर हो जाएगा, आगे दुश्वारी नहीं होगी। अगर वो एग्री करेगा आपके लिए आसानी, नहीं डिसएग्री करेगा तो फिर कहीं और इंशाल्लाह ताला रोजी का इंतजाम अल्लाह ताला करता, कहीं ना कहीं से हो जाएगा अरेंजमेंट। पत्थर में हसन लाले पुराने